ये है जो लास्ट में पढ़ते आज मुझे जाना है फिर से नानी हाल वापस, क्योंकि आज जाना है दानिश के घर वालों को शायद, या फिर आज या फिर कल जाना है दानिश के घर वालों को, आई मीन उसके पापा को जाना है कल ज़ियारत पे ईरान इराक, तो हमें वही जाना है। आज वहाँ पे शव है, वाजवान वगैरह होगा, वहाँ पे काम है थोड़ा सा, तो मैं वही जाना है। मुझे सुबह से ही कॉल आया कि तुम क्यों नहीं आए, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कश्मीरी फैमिलीज का क्या सीन होता है, तुम क्यों नहीं आए। उछल क्यों रहे हो इतना? अब किसने गिफ्ट दिया? गिफ्ट क्या मिला आपको? क्या गिफ्ट क्या मिला? कुरान। दिखाओ किधर है कुरान। आपको कैसे मिला गिफ्ट, मुझे समझ नहीं आ रहा, आपको तो कुरान आता ही नहीं है। उसने बोला ये भाईजान को देना, मतलब आपको नहीं मिला, ये भाईजान को देना है। हाँ, उसका वादा कुरान है, और ये दादू का है ना, ये दादू का कुरान है ना, ये सब दादू, ये जो है ना बड़ा वाला कुरान, ये हमारे जो दादाजी थे ना, अपने जानते होंगे, तब पैदा नहीं हुए थे, ये उन्हीं का है। तो मुझे जाना है आज नानी वाला, आपको मेरे साथ आना है वहाँ। वहाँ सब होंगे ना, वहाँ होंगे आदिल भाया, आलिया फातिमा, यामिन भाया, वहाँ होंगे ना सब, ऐसे ऐसे आराम से बैठ, अब मैं मारूंगा ना, आराम से बैठो, आराम से बैठो, आराम से बैठो, वहाँ होंगे ना, हाँ बैठो, बैठो नीचे, बैठो सीधे, बैठो ना, ऐसे नहीं बैठते, पॉटी करनी है। वहाँ होंगे सब, यामिन भाया भी होगा वहाँ, होंगे आलिया फातिमा भी होगी, इंशाल्लाह भी होगी, आके भी हो, तुम्हें नहीं आना? क्यों क्यों नहीं, क्या कर रहे हो वहाँ से, क्या कर रहे हो यहाँ? अब बताओ मुझे, तुम्हें क्यों नहीं आना है, तुम्हें क्यों नहीं आना? मुझे जाना है वही पे, इसको नहीं आना है, तुम्हें ना आना है ना, इसको नहीं आना है, तो मैं अकेले जाऊंगा, मैं अकेले जाऊंगा वहां पे, वहां पे काम होता है। मुझे बोलने दो ना, मुझे बोल, अब मुझे बोलने, मुझे बोलने दो पहले, मैं अब फिर अब कुछ फिर करना होगा ना आपको। तो गाइस यहाँ से मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था, और ये मुझे बता रही है कि क्या कर रहे हो, फोन स्विच ऑफ हो गया। अच्छा लगेगी, अब इधर आ जाए, अब लगेगी ना, आ जाए, पहले मुझे बात एक बताओ, आपको क्यों नहीं आना है? अभी आऊंगी ना, कंफर्टेबल चेंज कर दूंगी ना, चेंज करूंगी, आपको पहले चेंज करना है, तो करो चेंज, फिर जाएंगे ना वहाँ, फिर मजा आएगा वहाँ, आपको मैं अपने साथ लूंगा। पैसे इसमें नहीं, मेरे को ना ना, मेरे पे पैसे नहीं, मेरे को पैसे ही नहीं ना, मेरे को पैसे ही नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं। तुझे नहीं बोलते, आपको है, आपको किसी ने सिखाया नहीं है कि बड़ों के साथ कैसे बात करनी है? हाँ। आपको क्या, तुझे नहीं बोलना था आपको? मुझे पंखा चलाना है। आपको पंखा चलाना है? अबे गाइस मेरे बाल सेट कर रही, बोल रही है कि तुम्हारे बाल अच्छे नहीं है, आराम से लग रही है। क्या स्टाइल रखी इसने? अच्छा मुझे बताओ आपको कौन पसंद है, शायान या मैं? तो गाइस अब निकलते हैं वहाँ पे, वहाँ कुछ काम होगा उन्हें, तो चलते। तो फाइनली गाइस मैं नानी हाल पहुँच गया, और पहुँचती मुझे दो बार भेजा गया मार्केट चीज़ें लाने, एक तो मैं बीमार हूँ, और ऊपर से ये लोग यहाँ पे काम दे रहे हैं, क्या कर सकते, एक दिन सहना पड़ेगा क्योंकि कल फिर जाना है इन्हें। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ वाजवान, जो कि शाम के लिए बन रहा है, मेहमानों के लिए, शाम सारे मेहमान आएंगे, रिलेटिव्स एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दोस्त वगैरह सब आएंगे, उनके लिए बन रहा है अभी वाजवान, आपको वो दिखाता हूँ। वैसे 90% ऑडियंस को पता नहीं होगा कि वाजवान के, लेकिन 10% जो इनको पता है क्योंकि वो कश्मीर से ही है। सो हाँ अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। गाइस यहाँ पे ये कबाब बना रहे हैं, इनका नाम है मोहम्मद शफी, शफी अंकल बताएंगे कि इसको क्या करना पड़ता है, अब कैश पे वहाँ करो ना शफी अंकल। یہ پیوان طاقتس پہ دگن پہ پیوان یہ موٹ دن ات پہ پیوان زور رلاؤن لیدر رلاؤن پہ پیوان لاگن سیکن پہ ہسا پیوان لاگن پھر ایسے ان کو پکایا جاتا ہے تیار کیا جاتا ہے یہاں سے سیلڈ بنا رہے ہیں اس سائڈ سے باقی جو کھانے وہ بن رہے ہیں یہ اس کو بولتے ہیں رستہ اور یہ ونان کشر پہ روغن جوش یہ ونان مرژوانگن کورمہ آ ایز یو کین سی
इसको बोलते हैं नदरदल। लोटस जो स्टम है ना वो ये होता है, इसको पका के ऐसा बनता है फिर। इसको बोलते हैं दुप्याज। सो गाइस दिस इज आल्सो दुप्याज। इसको रोगन जैसे बोलते, दुप्याज भी बोलते। ये भी वही है, ये भी सब वही है। ठीक है, चीज है ये एक्चुअली चिकन है। चिकन है ये सब आपने पकाया? सॉरी तो ही ये है जो लास्ट में पड़ता है त्रांबी पे, इसको बोलते हैं गोश्ताबा, जो कि बहुत फेमस है। ये जो बनता है ना, ये भी वैसे ही बनता है जैसे कबाब या रिश्ता बनता है। तो इसको मिलाते हैं, कर देखो, ये बहुत टेस्टी होता है, इसको बोलते हैं गोश्ताबा। थैंक यू शुक्रिया। तो अभी गाइज आधे काम कर लिए हमने, फिलहाल मैं बैठा हूँ दादाजी के साथ। इनको भी जाना है इराक ज़ियारत करने। तो इन्हों में तक किया खाना वगैरह सब कुछ हो गया, मेहमान भी घर चले गए। मैं बैठा हूँ बाहर क्योंकि अंदर मेहमान थे जो कि घर निकल गए। अब उन्होंने इतना शोर मचाया, तो शोर से सिर में दर्द हो गया। कल इनको निकलना है दिल्ली के लिए, दिल्ली से फिर जाएंगे इराक ईरान, जान को जाना होगा। तो गाइज अब मैं कर रहा हूँ इस ब्लॉग को यही पे एंड। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को करो लाइक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।